हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं मिक्स वेज मोमो, भी बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ओपन करके इसको दिखा देती हूँ कि कितनी ज़्यादा इसमें स्टफिंग मैंने फिल की है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो ये देखिए, आपको दिख ही रहा होगा कि कितनी ज़्यादा स्टफिंग फिल है इसमें, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी है ये। तो फ्रेंड्स चलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, आई होप आप सभी को भी अच्छी लगेगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक बंधा ले लिया है, शिमला मिर्च, दो हरी मिर्च, चार पांच लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक, आधी गाजर और एक प्याज ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले सारी चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी सब्जियों को काट लिया है। इसकी स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल रख दिया था, अब ऑयल गर्म हो गया है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हरी मिर्च और अदरक लहसुन जो कूटा था वो डाल देते हैं, प्याज, और फिर एक दो मिनट तक हल्का सा ऐसे कर लेते ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब ये थोड़ा सा पक गया है तो चलिए इसमें बची हुई सब्जियां भी डाल देते हैं। और इन सारी चीजों को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और हमें इसे ओपन में ही पकाना है, क्लोज करके नहीं पकाएंगे, नहीं तो स्टफिंग गीली हो जाएगी। अब इसमें सोया सॉस ऐड कर देते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और फ्रेंड्स हम इसमें नमक अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नमक डालने से स्टफिंग गीली हो जाती है। इसकी स्टफिंग बन के अब रेडी हो गई है, तो चलिए अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे। स्टफिंग अब ठंडी हो गई है तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और फ्रेंड्स आज हम लोग बिगेस्ट मोमोज बनाने वाले हैं, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आपको दिख ही रहा होगा कितनी सारी मैंने वेजिटेबल्स यूज़ किया है, तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए मैंने अब नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो चलिए अब डंपलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका डो बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और एक कटोरी मैदा ले लिया है। तो चलिए पहले मैदा डाल देते हैं इसमें। इसके साथ ही मोमन लगाने के लिए थोड़ा सा ऑयल ले लिया है ताकि आटा सॉफ्ट बनेगा, और थोड़ा सा नमक। तो पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो चलिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो रेडी कर लेते हैं। पानी एकदम से ना डालें, नहीं तो डो जो है बहुत गीला हो जाएगा। ये देखिए इसका डो अब रेडी हो गया है, तो चलिए अभी इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। ये देखिए अब डो भी अच्छे से फूल गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो चलिए अब इसके दो टुकड़े कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बड़ी मोमोज बनाने वाले हैं तो थोड़ा सा आटा ज़्यादा ही लेंगे। तो पहले हैंड पे इसको ऐसे थोड़ा सा राउंड कर लें। ये देखिए, और इसे बेलने के लिए मैंने सूखा मैदा ले लिया है। पहले इसको इस पे थोड़ा सा सूखा मैदा मैंने लगा दिया है, अब इसको ऐसे बेल लेंगे। ये देखिए मैंने मोमोज की शीट को बेल लिया है, तो चलिए अब इसमें स्टफिंग फिल कर लेते हैं। स्टफिंग को आप अपने मनपसंद अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी हैं, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। आई होप आप सभी को पसंद आएंगे। ये देखिए कितने ही ज़्यादा यम्मी लग रहे होंगे आपको देख के, खाने का मन करा होगा, इतना बिगेस्ट मोमोज, वाओ। ये देखिए, तो चलिए अब इसको कवर भी कर देते हैं। बस मेरा मन करा मैं ऐसे ही खाने लगूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसे एक साइड से ऐसे उठा लेंगे, और जितने भी एंड्स हैं तो यहाँ पे ऐसे खींचते हुए लाएंगे, ऐसे खींच खींच के थोड़ा सा टाइटली ही। ये देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए, सेम इसी तरीके से इधर से भी।
ये देखिए अब मोमोज बनके रेडी हो गया और कितना ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बढ़िया सब्जियों से भरा हुआ है। तो चलिए अब इसे स्टीम कर लेते हैं। इसे स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी रख दिया था, अब पानी गर्म हो गया है तो इसमें ये स्टैंड रख देते हैं जिसपे हम लोग नॉर्मली रोटी बना बना के रखते हैं, और इसके साथ ही ये छन्नी रख देते हैं जिससे आटा चालते हैं। अभी अपना बनाया हुआ मोमोज रख देते हैं। ये देखिए अब मैंने इसको रख दिया है और इसके साथ ही इसे कवर कर देते हैं लगभग 15-20 मिनट के लिए, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही रखे तभी अंदर तक अच्छे से पकेगा। तो चलिए अब इसे पकने देते हैं, फिर बाद में इसे चेक करते हैं। लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं तो चलिए अब मोमो को खोल के देख लेते हैं। ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये अब लगभग पक चुका है। तो चलिए अब इसकी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं खा के। ये देखिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म बड़ा सा मोमोज बनकर रेडी हो गया है और आप लोगों का भी बस खाने का मन ही कर रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।